हेलो गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग्स। जय माता दी, लेट्स रॉक। अब हम लोग, आज आप लोग सोचोगे कि मैंने यहाँ पे गॉगल्स क्यों पहने हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने रील्स बनाई थी अपनी इंस्टाग्राम रील्स, तभी मेरे ये गॉगल्स अभी तक लगे, क्योंकि मैंने सोचा इंस्टाग्राम रील्स बना लूँ फिर मैं नीचे आके ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। यस डेफिनेटली, इसीलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अब आप लोगों को मजा आने वाली है, क्योंकि आज हम लोग करेंगे क्या, आज कुछ स्पेशल नहीं है, बस आप, मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया। अब जैसे जैसा होता जाएगा वैसे वैसे दिखाते जाएंगे। आप देखिए गाइस, इन महाशय को, ये अभी भी अपना गेम ही चला रहे हैं, अपना गेम खेल रहे हैं अभी भी। और हम लोग, मैं तो यहीं पे था और वी आर डिसाइडिंग कि कल का ब्लॉग कैसा हो, क्योंकि आज का ब्लॉग हमने कुछ डिसाइड नहीं करा है, इसलिए सोचे थे कि कुछ कल का व्लॉग कुछ अच्छा करे, तो कल के व्लॉग के लिए आप लोग तैयार रहना। मतलब आज तो आप लोग देख ही रहे हो, मैं बता रहा हूँ कि कल के व्लॉग के लिए और ज्यादा तैयार रहना। एंड गाइज, हम लोग, मैं तो यहीं पे था और अभी हो रहे हैं, मैं आपको अपना टाइम बताता हूँ। टाइम हो रहा है इस समय 10:46 PM रात का, मतलब 10:46 PM रात का हो रहा है। आप लोग सोचोगे मैं रात में क्यों जाग रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं लेट नाइट ही रील्स बना लेता हूँ, क्योंकि आज मैंने, अब आज ज़्यादा लेट हुआ, वैसे तो हमेशा सुबह रील्स बन जाती हैं, आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, इसलिए मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और कुछ नहीं, अब मैं उतार देता हूँ उनको, एक सेकेंड, मिलते हैं। हाँ तो गाइस, मैंने अपने चश्मे पश्मे जो भी था उतार लिया है और मैं अभी यहाँ पर बैठ गया था। ये मेरा बेड जो आप लोग ने देखा ही हुआ है, अगर आप लोग ने मेरा बेड टूर नहीं देखा तो जाके जल्दी से मेरा बेड टूर। हाँ तो गाइस, जैसा कि मैं बता रहा था कि आप मेरा बेड टूर देख सकते हो, मेरा एक ब्लॉग था बेड टूर का, उसमें आप लोग देख सकते हो कि मैंने मेरा बेड, मतलब मेरा बेड कैसा है। तो जल्दी से जाओ, अगर हो सका, इफ पॉसिबल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वहां से देख लेना, वरना आप ना विश्वास से ब्लॉग सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। और गाइज यार, एक सेकंड, मैं चश्मा पहन लेता हूँ, वरना मूड नहीं आ रहा, रुक जाओ। जी हाँ गाइज, मैंने फिर से पहन लिया है, क्योंकि गाइज ये, मतलब एक तो रात में व्लॉग बनाने का मन नहीं था, एंड मन था नहीं, इसलिए मैंने पहन लिया, जिससे थोड़ा सा मूड आ जाए और मैं थोड़ा सा व्लॉग, मतलब व्लॉग बना लूँ। एंड गाइज चलते हैं। अब आप लोगों को मैं एक बता दूँ सीक्रेट, कि मैं रात में क्या लगाता हूँ अपने फेस पे जब सोने से पहले। मैं आप लोगों को एक सीक्रेट रिवील करना चाहता था, चलिए मैं आप लोगों के सीक्रेट रिवील कर देता हूँ। इससे फेस भी बहुत ग्लो रहता है, फेस पे भी बहुत ही ज़्यादा ग्लो रहता है जब आप लाइट्स के सामने आओगे, और बहुत ज़्यादा शाइन करता है, और आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिमूव हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं रात में क्या लगाता हूँ स्किन केयर के लिए, चलते हैं। One eternity later. हाँ तो गाइज, आप लोग, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं अपनी रात में स्किन पे क्या लगाता हूँ। वेट, मैं मिलते हूँ, चीज लेकर आता हूँ। जी हाँ गाइज, मैं लगाता हूँ रात में एलोवेरा का जेल, और एलोवेरा का जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकता, बट एलोवेरा का जेल आप कोई सा भी ले सकते हो, बहुत अच्छा होता है एलोवेरा का जेल। अब मैं अपने फेस पर अप्लाई करता हूँ, ये देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ग्लो आता है इससे। ऐसे आपको कैमरा पे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि कैमरा की तो ब्राइटनेस अपनी अलग होती है, बट हाँ आप लोग इसको, जी हाँ गाइज, मैं आपसे ये कह रहा था कि इसको एक दिन लगाने से आपको सॉफ्टनेस मिलेगा, बट हाँ ग्लो नहीं मिल पाएगा, तो आप इसको डेली लगाओ। ये देख सकते हो, मैं तो इसको डेली लगाता हूँ, और ये सोने से पहले ही लगा लेना चाहिए, और यहाँ पर तो ज़रूर लगाना चाहिए, ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं ना इसके नीचे, यहाँ पर ज़रूर लगाना चाहिए इसको। अगर आपके पास, आप इसे बाय नहीं कर सकते, तो इसके प्लांट्स भी होते हैं, मेरे यहाँ प्लांट है, बट इसका जेल हम लोगों ने निकाला नहीं, तो हम लोग यही प्रेफर करते हैं, क्योंकि आदमी अगर घर से चीज़ें सारी निकाल लेगा तो बाहर वालों की बिक्री भी नहीं होगी, और दूसरी बात, इस समय हम लोगों को शॉपकीपर्स को सपोर्ट करना चाहिए, और उनको हमें, मतलब अगर हमारे पास मनी है तो हमें बाय करनी चाहिए चीज़ें, एक्सेप्ट हमारे होम रेमेडीज से, या फिर हमारे होम, जितनी होम चीज़ें हैं उनमें। तो हाँ, अगर आप लोगों के पास इस समय मनी की कमी है तो आप लोग कर सकते हो, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है, आप लोग अपने घर से भी ले सकते हो, घर पे भी बहुत अच्छा एलोवेरा जेल आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गाइज, मैं आपसे अभी ये कहना चाह रहा था, एक सेकंड। हाँ तो गाइज, मैं आपसे कह रहा था कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे लगाओ, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आएगा,
और ग्लो के अलावा आपका सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि आपकी जो डार्क सर्कल्स होते हैं धीरे मेरे बहुत थे, मेरे धीरे धीरे जाने लगे हैं, अभी भी थोड़े हैं, उन्हें भी मुझे ले जाना है, मतलब अपने हटाने हैं। और इन भाई साहब की चल रही है अभी कुछ एडिटिंग शेडिटिंग, युग की ये मतलब अभी करता रहता है। आज हम लोग ज़्यादा लेट तक जाग रहे हैं, वरना हम लोग अभी तक फ़ोन नहीं चलाते हैं, बट सोते भी नहीं हैं, बट हाँ आज हम लोग ज़्यादा लेट तक जाग रहे हैं, यही हम लोग का है स्ट्रैटेजी। ऊपर वाला बेड आप लोग ने अगर देखा होगा तो आप लोग, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देख ले, देख सकते हो हम लोगों का इन लेमैन लैंग्वेज डबल डेकर बेड है। और सिंपल लैंग्वेज और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में क्या है, क्या कहते पता नहीं क्या कहते हैं इसको, हाँ मुझे याद है यार, मुझे याद है इसका नाम बंक बेड, इसे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बंक बेड बोलते हैं और लेमैन लैंग्वेज में इसको डबल डेकर भी कह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को कल मैंने अपना कवर ब्लॉग दिखाया था, तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग बताइएगा मुझको कि कवर ब्लॉग आपको कैसा लगा कवर ब्लॉग। एंड गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो मेरा यहाँ पे इतना हैवी मैक्रोना है, इसे मैक्रोना कहते हैं, और ये रोबोट देख सकते हो इतना, एक किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है ये। एक सेकंड गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकंड बाद, हाँ गाइस अब ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी, इसको मैं उठा रहा हूँ तो आप लोगों को कैमरा पे इसका वेट नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन सीरियसली गाइस ये वाला जो टॉय है मेरा ये बहुत ज़्यादा हैवी है, कोई टॉय नहीं है, जैसे मैंने इसको शोपीस बना के अभी रखा हुआ है, इसका सिस्टम मुझे कुछ समझ नहीं आया इसलिए इसको मैंने शोपीस बना के रखा हुआ था। अब गाइस मैं चलिए आप लोगों को कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये देखो गाइस मेरी ट्रॉफी, आर्ट कॉम्पिटिशन में मैंने जैसे आप लोगों को अपनी ड्राइंग्स दिखाई थी उसकी मुझे मिली थी बहुत प्यारी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रॉफी है, देख सकते हो कितनी ज़्यादा कूल अच्छी ट्रॉफी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझको ट्रॉफी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सच में। एंड गाइस बस ख़त्म कर देते हैं शायद आई व्लॉग का, आई व्लॉग क्योंकि आज मेरे पास कोई ज़्यादा अच्छा टॉपिक था नहीं, कल का व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, सच बता रहा हूँ, कल मैं कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक लाऊंगा, तब आप लोग मेरा व्लॉग देखना। अब बहुत ज़्यादा रात हो रही है, सबका बाहर डिनर चल रहा था, तो मैंने सोचा कि अंदर आके जल्दी से व्लॉग बना लेते हैं आप लोगों के लिए, और मैंने व्लॉग बना दिया। एंड गाइस होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, कमेंट्स तो आजकल मुझसे ऑन पता नहीं क्यों नहीं हो रहे, मैं पक्का कमेंट्स ऑन करने की कोशिश करूँगा, मेरे वीडियोस में पता है मैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता हूँ उसके मुताबिक हो जाना चाहिए कमेंट ऑन, बट पता नहीं कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है उसमें। तब तक के लिए गाइस मैं इसमें एडिटिंग अच्छी करूँगा जिससे आपको इंटरेस्टिंग लगे व्लॉग, तब तक के लिए गाइस अब मेरी एडिटिंग पूरी होने वाली है इस व्लॉग की, तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा सी यू।